नमस्ते, मैं हूँ रत्नेकर। गीता रत्न की तरफ से आप सबका स्वागत है। गीता का अध्याय 9 यानी राज विद्या राज गृह योग हम देखेंगे 13 अप्रैल। ईश्वर हर जगह समाया हुआ है, सजीव ईश्वर है, निर्जीव ईश्वर है। इस ब्रह्मांड का जो ध्वनि है वह ओंकार है, इसे ब्रह्म कहते हैं। यही नाद ब्रह्म है और नाम ब्रह्म है, यही सब ईश्वर के अंग है। साथ ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यानी यह भी एक ईश्वर है। ब्रह्मांड यानी ईश्वर, ब्रह्मांड के सब अंश ईश्वर के रूप होते हैं। ग्रह और तारे, इन सबसे आगे है सूरज। सूरज है तो सब कुछ है, वायु है, जल है, प्रकाश है, सृष्टि है, पशु पंछी है। पानी तो सजीव का अमृत है। ईश्वर आत्मा है और परमात्मा है, वही करता है, वही विधाता है। जन्म और मृत्यु दोनों ही ईश्वर के हाथ में है। सत्व और असत्व ईश्वर ही है। सामान्य ईश्वर है, असामान्य ईश्वर है, ईश्वर की परिभाषा ही अलग है। अगली जानकारी हम अगले पड़ाव में देखेंगे, तब तक धन्यवाद।